नमस्कार साथियों, महिला महाविद्यालय वाणिज्य ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र विषय के बारे में पढ़ाएंगे आपको। अर्थशास्त्र बीए पार्ट सेकंड में राष्ट्रीय है, नेशनल एग्जाम। नेशनल एग्जाम का अध्ययन मुख्य रूप से हम तीन भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम संरचना, इसके स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय आय की अवधारणा और राष्ट्रीय आय का वर्तमान प्रभाव। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम राष्ट्रीय आय को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर, कंसेप्ट और इसका सर्किल फ्लो। स्ट्रक्चर की बात करें तो राष्ट्रीय आय को समझने के लिए मुख्य रूप से तीन अवधारणाएं, फर्स्ट जीएनपी, जीएनआई और थर्ड है जीएनई। आपने प्रारंभिक कक्षाओं में के बारे में सुना होगा। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय। जीएनई ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर सकल राष्ट्रीय व्यय। राष्ट्रीय आय अपने आप में एक अनिश्चित शब्द है। उसकी अनिश्चितता को समझने के लिए इन तीन संरचनाओं को पढ़ना जरूरी है। अब हम सबसे पहले जीएनपी की बात करते हैं। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का निर्माण जीडीपी से हुआ। जीडीपी का मतलब यहां पर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उस देश के निवासी और गैर निवासी के द्वारा बाजार भाव पर सकल वस्तु सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। यहां जीडीपी और जीएनपी में अंतर करना होगा। दोनों में बेसिकली जो अंतर निकल कर आता है वो एनएफआई का, NFIA का मतलब होता है नेट फॉरेन इनकम टैक्स, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। NFIA का मतलब होता है यहां पर
विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए का मतलब यहां पर हमारे साधन इसमें श्रम और पूंजी, हमारे साधन श्रम और पूंजी जो विदेश में काम करते हैं, और विदेशी साधन श्रम और पूंजी जो हमारे देश में काम करते हैं, दोनों का शुद्ध रूप से अंतर। NFI इक्वल निर्यात माइनस आयात, निर्यात माइनस आयात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। हमारे साधन जो दूसरे देश में काम करते हैं, और विदेश के साधन जो हमारे देश में काम करते हैं, उन दोनों का शुद्ध रूप से जो अंतर होगा वो NFIA कहलाएगा। इस NFIA को समझने का मतलब जो है वो GNP और GDP के डिफरेंस को अलग करने के लिए जरूरी है। देखिए GDP हमने अभी आपको बताया, GDP का मतलब होता है किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उस देश के निवासियों और गैर निवासियों द्वारा बाजार भाव पर शुद्ध रूप से जो वस्तु सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा उसका योग GDP क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए जैसे यहां हम इन आउटलाइंस को देख रहे हैं, ये भारत की भौगोलिक सीमा है। इन भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत रेजिडेंटल नॉन रेजिडेंटल, भारतीय या गैर भारतीय दोनों के द्वारा जो वस्तु सेवाओं का सकल उत्पादन होगा उसका बाजार भाव पर जो फलम तैयार करेंगे वो GDP कहलाएगा। कुछ उसके एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे हम बात करें भौगोलिक सीमा से पश्चिम में लगभग 12 किलोमीटर दूरी तक जो भी आर्थिक क्रियाएं संपन्न होंगे वो भारतीय GDP का भाग होगा। उसी प्रकार पूर्व में लगभग 25 किलोमीटर दूरी तक जो भी भौगोलिक सीमा से परे जो भी आर्थिक क्रिया होगी वो हमारी GDP का भाग होगा। तो यहां पूर्व में 12 किलोमीटर और पश्चिम में 25 किलोमीटर जो भी आर्थिक क्रिया संपन्न होगी वो हमारे किसका भाग होगा, GDP का भाग। तो GDP और GNP में डिफरेंस करने के लिए हमें NFIA कंक्लूड करना होगा। तो यहां फॉर्मूला निकल कर आता है GNP इक्वल टू GDP प्लस NFIA। तो पहले अपन को यहां GDP का मीन्स क्लियर करना होगा, उसके बाद NFIA को क्लियर करना होगा, और इन दोनों के क्लियर होने से आपका बनेगा GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए इसके बाद हम आगे यहां इसके स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं और GNP क्लियर होने के बाद हम दो कंसेप्ट और इसमें निकालते हैं, एक मार्केट प्राइस होता है, दूसरा इसमें GNP फैक्टर कॉस्ट होता है। यहां छात्रों को मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों को समझना होगा। मार्केट प्राइस का मतलब होता है बाजार भाव, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है साधन लागत। बाजार भाव और साधन लागत, इन दोनों पर भी GNP को कैलकुलेट किया जाता है,
बाजार भाव का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु बाजार में किस मूल्य पर बेची जा रही है, जिस मूल्य पर बेची जा रही है उस मूल्य को हम जीएनपी में शामिल करते हैं, इट मीन्स जीएनपी मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जो वस्तु बाजार में बेची जा रही है उसमें उस वस्तु को बनाने वाले साधन के लिए क्या लागत है, वो साधन लागत होती है। तो साधन को दिए जाने वाला प्रतिफल साधन लागत में इंक्लूड होगा, और अंतिम रूप से बाजार में किस कीमत पर वस्तु बेची जा रही है वो बाजार भाव। तो यहां जीएनपी मार्केट प्राइस भी कैलकुलेट होता है और जीएनपी फैक्टर कॉस्ट भी कैलकुलेट होता है। इसके बाद इसी में हम दो फैक्टर अलग से निकालते हैं, हम नेट की बात करते हैं शुद्ध और ग्रॉस की बात करते हैं सकल। नेट और ग्रॉस, शुद्ध और सकल। शुद्ध का मतलब डेफिनेशन मूल्यह्रास, यदि मूल्यह्रास को सकल में से हम निकाल देते हैं या मूल्यह्रास को शामिल नहीं करते हैं तो उस प्रकार का जो कंसेप्ट होगा वो नेट पर जाएगा। सीधे से आपको ध्यान रखने की बात यहां यह है कि यदि आपको ग्रॉस कंसेप्ट दिया हुआ है और आपको नेट पे आना है तो डेफिनेशन को निकालना है, और यदि नेट में डेफिनेशन को इंक्लूड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो आपका बन जाता है ग्रॉस सकल। तो यहां जैसे अपन बात करें एनएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस नेट बेस्ड ऑन नेट बजट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बजट। इसका मतलब ये शुद्ध है, नेशनल राष्ट्रीय है और उत्पाद। तो मैंने आपको यह बताया था कि शुद्ध पर यदि जाना है तो डेफिनेशन को निकालना है, और नेशनल पर जाना है तो एनएनपी इंक्लूड करना है। तो एनएनपी मार्केट प्राइस निकालने के लिए एनएनपी मार्केट प्राइस इक्वल जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्य पास डेफिनेशन। एनएनपी मार्केट प्राइस वॉज जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास डेफिनेशन, इसको निकालो। इसी प्रकार एनएनपी एफसी, देखिए छात्रों एक बात यह बड़ी महत्वपूर्ण है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट प्राइस कंसेप्ट यदि आपको दिया हुआ है और आपको फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस से यदि आपको फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो उसके लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर को घटाना है और सब्सिडी को जोड़ना है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो साधन को प्राप्त नहीं होता, इसलिए साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर को घटाना होता है, और चूंकि सब्सिडी जो होता है वो साधन को प्राप्त होता है इसलिए सब्सिडी उसमें इंक्लूड होगा, जुड़ेगा। तो यहां एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये फॉर्मूला आपको यहां काम में लेना होगा। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो यहां हमने सबसे पहले जीएनपी मार्केट प्राइस बाजार भाव पर इसको देखा, फिर उसके बाद जीएनपी फैक्टर कॉस्ट इसको देखा, और जो हमारा ग्रॉस मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट है इसी से हमने नेट शुद्ध इसको निकाला। तो देखिए दो मुख्य बातें हैं यहां पर कि यदि आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेफिनेशन को घटाना है, और यदि आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको मार्केट प्राइस में से
से इनडायरेक्ट टैक्स जो कि साधन को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसको घटाना होगा और सब्सिडी जो है उसको जोड़ना होगा। तो यहां ये दो बड़ी महत्वपूर्ण टर्म है और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये तो कंसेप्ट आपको बताया गया है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को एनआईबी कहते हैं, नेशनल इनकम भी कहते हैं, ज्यादातर कंपटीशन पूछा जाता है ये एनएनपी फैक्टर कॉस्ट किसके इक्वल होता है, एनआई के इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ एनएनपी जो है वो साधन लागत पर कैलकुलेट किया गया है और साधन को मिलने वाला प्रतिफल, साधन को मिलने वाला प्रतिफल राष्ट्रीय आय होता है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जी एन आई जो होता है ग्रॉस नेशनल इनकम, ये किसका परिणाम होता है, डब्ल्यू प्लस आर प्लस आई प्लस पी, इसका परिणाम होता है। ये डब्ल्यू आर आई पी ये क्या है, तो हमने प्रारंभिक कक्षाओं में इसको पढ़ा होगा, उत्पादन के चार साधन होते हैं, एक होता है श्रम जिसको हम एल से इंडिकेट करते हैं लेबर, दूसरा होता है पूंजी जिसको हम के से इंडिकेट करते हैं कैपिटल, तीसरा होता है भूमि जिसको हम लैंड कहते हैं उसको भी एल से इंडिकेट करते हैं, और चौथा होता है उद्यमि एंटरप्राइज ई से इंडिकेट करते हैं। कोई भी आर्थिक क्रिया तब संपन्न होती है जब ये चारों साधन उत्पादन की श्रम पूंजी भूमि और उद्यमी मिलकर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उसका सामूहिक परिणाम निकल कर आता है आर्थिक क्रिया का, और आर्थिक क्रियाओं का समग्र योग ही क्या बनता है, राष्ट्रीय आय बनता है। तो यहां ये उत्पादन के जो साधन है चारों साधन, ये इन प्रतिफल के लिए काम करता है। इनका प्रतिफल क्या होगा, श्रम को मिलता है वेजेस मजदूरी, श्रम को क्या मिलता है वेजेस, पूंजी को मिलता है ब्याज इंटरेस्ट, भूमि को मिलता है रेंट लगान, और उद्यमि को मिलता है प्रॉफिट लाभ। तो ये जो प्रतिफल है डब्ल्यू प्लस आर प्लस आई प्लस पी, ये प्रतिफल का समग्र योग जीएनआई होता है, और जीएनआई राष्ट्रीय का सूचक है, और यहां एनएनपी एक्ट में साधन की लागत, इसका मतलब ये साधन को मिलने वाला प्रतिफल साधन की लागत हो गया, तो इस लागत को शामिल किया जाता है, इसलिए एनएनपी एफसी किसके बराबर होगा, एनआई के बराबर, नेशनल इनकम के बराबर। तो बड़ी महत्वपूर्ण यहां ये घटना है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि एनएनपी एफसी जो है किसके बराबर है, एनआई के बराबर। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम, इसके बाद एनडीपी एन का मतलब नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यहां इसको निकालने के लिए हमें जीडीपी में से मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन इसको घटाना है। पहले भी हमने बता चुका हूं आपको कि जो ग्रॉस होता है उस ग्रॉस में से यदि आप डेप्रिसिएशन को निकालेंगे तो शुद्ध घटना आपको मिलेगी। तो यहां यदि आपको एनडीपी निकालना है तो जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है पीआई प्राइवेट इनकम, निजी आय पीआई निजी आय। देखिए आय दो प्रकार से प्राप्त होती है, दो क्षेत्रों से प्राप्त होती है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर से मिलने वाली आय को सार्वजनिक आय कहते हैं और निजी खेत खलिहान कारखानों से मिलने वाली आय को निजी आय कहते हैं। तो यहां निजी आय निकालने के लिए हमें पीआई बराबर एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी चूंकि मैं पहले बता चुका हूं आपको ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट,
शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत, क्योंकि साधन को मिलने वाली लागत खुद की निजी होती है, सिर्फ निजी आय में इंक्लूड कर रहा है। एनडीपीएफसी में प्लस करें हम राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, इसको प्लस करना है, और ट्रांसफर पेमेंट हस्तांतरण भुगतान इसको प्लस करना है। पीआई बराबर एनडीपीएफसी प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज प्लस ट्रांसफर पेमेंट हस्तांतरण। देखिए राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज और ट्रांसफर पेमेंट हस्तांतरण भुगतान दोनों को समझना होगा। राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज का मतलब होता है कि जो सरकार के द्वारा जनता से, अन्य प्रकार के संस्थानों से या विदेशों से जो ऋण लिए जाते हैं उनके बदले जो ब्याज दिया जाएगा वो व्यक्ति विशेष को मिलेगा, इसलिए प्राइवेट इनकम में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज जुड़ेगा। राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के ऋण लिए जाते हैं ऋणों के बदले जो ब्याज दिया जाएगा वो ब्याज व्यक्ति विशेष को मिलेगा, साधन को मिलेगा, इसलिए उसको पीआई में इंक्लूड करना है। दूसरा होता है ट्रांसफर पेमेंट, ये इंक्लूड होता है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा जनता की ओर किए गए स्थानांतरण, सरकार के द्वारा जनता की ओर किए गए स्थानांतरण क्या कहलाते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। तो यहां टीपी जो है और राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज ये दोनों इसमें जोड़ना, तो ये जनता को प्राप्त हो रहे हैं, ये भी जनता या साधन को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए प्राइवेट इनकम में जुड़ेगा। अगली जो संरचना हमारी यहां पर है वो है पीआई। ये प्राइवेट इनकम है, निजी आय, ये पर्सनल इनकम है, इसको बोलेंगे व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय। देखिए निजी आय व्यक्ति विशेष की भी हो सकती है और समूह की भी हो सकती है। कुछ लोगों के द्वारा एनजीओ बनाकर काम किया जा रहा है तो वो जो आय प्राप्त हो रही है उस एनजीओ को वो निजी आय समूह में हो गई, लेकिन इस समूह की आय को यदि हम व्यक्ति विशेष की आय में बदलेंगे तो वो आपका होगा पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय। तो यहां पर्सनल इनकम को प्राप्त करने के लिए प्राइवेट इनकम में से निगम कर और निगम बचते हैं, निगम बचते हैं, ये दोनों चीजें आपको निकालना है। पर्सनल इनकम प्राप्त करने के लिए प्राइवेट इनकम में से निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी कर भी बोला जाता है, जैसे आपका यहां कोई बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, वो जो सरकार को टैक्स देती हैं वो कंपनी कर या निगम कर में आता है। और दूसरा हो गया कंपनी के द्वारा की गई बस्तें, इनको कंपनी बस्ते हैं, निगम बस्ते भी कहते हैं। तो निजी आय में से कंपनी के कर और कंपनी की बस्तें दोनों को निकाल दिया जाए तो आपको निजी आय मिलेगा, व्यक्तिगत आय मिलेगा। तो देखिए छात्रों यहां आपको ध्यान रखने की बात यही है कि हमने पहले प्राइवेट इनकम निकाला और उस प्राइवेट इनकम में से जो निगम कर है, निगम कर प्रत्यक्ष कर है जो कंपनी के द्वारा सरकार को दिए जाते हैं, इसको एक निकाल देंगे और कंपनी अपने उन्नयन के लिए, अपने विकास के लिए कुछ इस प्रकार की बस्तें करती हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे स्ट्रक्चर के लिए वो अपने पास रखती है, वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बांटती है, उस प्रकार की जो बस्तें होती है वो निगम बस्तें कहलाती हैं। उनको भी यदि हमने निजी आय में से निकाल लिया तो हमारे पास बचेगा पर्सनल, व्यक्तिगत।
इसके बाद अगली जो संरचना हमारी है वो है पीडीआई। पीडीआई का मतलब यह होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इसको बोला जाता है प्रियोज्म आय, या इसको खर्च लायक आय भी कहते हैं। खर्च लायक आय पीडीआई बराबर सी प्लस आई। पीडीआई बराबर सी प्लस आई व्यक्तिगत खर्च योग्य आय बराबर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अंतिम रूप से व्यक्ति जिस आय को खर्च करता है वो प्रियोज्म आय खर्च लायक आय कहलाती है, जिसमें दो प्रकार के कंपोनेंट्स यहां आते हैं, एक आपका कंजम्पशन उपभोग, दूसरा इन्वेस्टमेंट निवेश। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़कर हम पीडीआई निकाल सकते हैं। और किसी भी देश के विकास का सबसे अच्छा जो आधार होता है वो उसका पीडीआई होता है। जिन देशों का पीडीआई ऊंचा होता है वे देश विकसित देश कहलाते हैं, जिन देशों का पीडीआई निम्न होता है वे देश अल्पविकसित देश कहलाते हैं। यदि किसी देश की आर्थिक वृद्धि को मापना है तो सबसे श्रेष्ठ जो कंसेप्ट होता है वो पीडीआई होता है, क्योंकि इसमें सी प्लस है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों स्तरों को देखा जाता है। इसके अलावा यदि हम सेकंड फॉर्मूले में चले यहां पर पीडीआई निकालने के लिए, तो पीडीआई बराबर जो पर्सनल इनकम है व्यक्तिगत आय जो आपके ऊपर निकाला है उसमें से डायरेक्ट टैक्स डीटी प्रत्यक्ष कर जो व्यक्ति विशेष को व्यक्ति विशेष को सरकार को देने होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि उन टैक्स को व्यक्ति खर्च नहीं कर सकता। इसके अलावा फीस दंड और जुर्माना, फीस दंड और जुर्माना यहां पीडीआई बराबर पीआई माइनस डीटी माइनस फीस दंड जुर्माना। व्यक्तिगत आय से प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर में जैसे आयकर इनकम टैक्स होता है इसको निकाल देंगे आप सरकार के द्वारा कोई आर्थिक क्रिया का उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए भरी गई फीस को निकाल देंगे। किसी भी कार्य के लिए आपके ऊपर दंड या जुर्माना लगाया गया है उसको निकाल देंगे तो आपके पास पीडीआई शेष रहेगा। तो आज की जो क्लास है इसमें हमने आपको राष्ट्रीय आय स्ट्रक्चर के 5-7 घटकों के बारे में सामान्य इंट्रोडक्शन करवाया है। अब इसके बाद जब आप इन चीजों को समझ पाएंगे, ये फॉर्मूले आप क्लियर कर पाएंगे, तो हम इनका न्यूमेरिकल नंबर के हिसाब से इन स्ट्रक्चरों का हम उपयोग करेंगे। तो आज का जो क्लास है वो हम यही क्लियर करेंगे, लेकिन मैं यह आपको ये कहना चाहूंगा कि देश वैश्विक स्तर पर हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और उसके बचाव के लिए आप ऑनलाइन क्लास के द्वारा अपना अध्ययन करें, ज्यादा से ज्यादा आप घर पे रहें, आवश्यक होने पर ही आप घर से बाहर निकलें, और बाहर यदि आप निकलते हैं तो मुंह पे आप मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।